एमपी बोर्ड की कक्षा 10वीं एवं 12वीं की 17 फरवरी को होने वाली परीक्षाओं की तैयारियों को लेकर कलेक्टर सभागार में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता में कलेक्टर सतीश कुमार एस ने कहा कि जिले में 60 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षार्थियों को सुबह 8 बजे तक परीक्षा केंद्र पर पहुंचना अनिवार्य होगा। परीक्षार्थियों की सर्चिंग के लिए परीक्षा केंद्र के गेट पर सर्चिंग कर अंदर परीक्षा केंद्र में प्रवेश होगा। उन्होंने कहा कि जिले में नकल रोकने के हर संभव प्रयास करेंगे। कोरोना गाइडलाइन का विशेष इंतजाम किया जाएगा। पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह चौहान ने कहा कि पुलिस के भी अलग अलग तरह के इंतजाम हैं। परीक्षा केंद्रों पर 300 पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। इसके साथ औचक निरीक्षण के लिए अलग अलग दल बनाए गए हैं। किसी प्रकार का कोई व्यक्ति संवेदनशील पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उनकी अपनी व्यवस्थाएं रहती हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, जिस दिन परीक्षा है उसी दिन सुबह 8 बजे बांटा गया या 7 बजे प्रवेश पत्र दिया गया, उनको लेट हो जाता है, उनके लिए क्या व्यवस्था है? इसके लिए हमने जो है हर बीओ बीआरसी को अधिकृत किया है कि जहां भी आपको ऐसा लगे आप हमें जरूर बताएंगे और उनको बच्चों को प्रवेश पत्र परीक्षा से एक दिन पहले ही उपलब्ध हो जाएंगे। वैसे तो ज्यादातर सबको मिल चुके हैं। जहाँ भी कोई खबर आ रही है हम तत्काल निराकरण कर रहे हैं। जो परीक्षार्थी साथियों, कोई बच्चा ऐसा नहीं रहेगा जो इसके कारण परीक्षा से वंचित रहे, चाहे हमें उनकी संबंधित संचालक महोदय की एफआईआर क्यों नहीं करना पड़े, है ना? जो मीडिया तक कैसे पहुंचेगी? वो सच्चा बाप को अपनी नाकामी छुपाने के लिए हर प्रयास करेगा। जब मीडिया प्रतिबंधित है तो फिर वो कैसे आएंगे सामने? वो पिंटू आल है सर, कैसे आप सीधे ब्लॉक से जानकारी ले सकते हैं। एमआईएस कोऑर्डिनेटर पे पूरे कैमरे खुले हुए हैं, आप वहां से ले लो। सच्चा बाग भला नकल चलते हुए विजुअल क्यों डालेगा, क्यों दिखाएगा? नहीं ऐसा नहीं है, बिल्कुल पहले की व्यवस्थाएं थी कि परीक्षा सेंटर के अंदर नहीं जाना है किसी पत्रकार को, लेकिन सेंटर तक जा सकता है, अंदर देख सकता है। सेंटर पे हम भी कर रहे हैं ना, प्रेस मित्र आपको दे रहे हैं, प्रेस मित्र पूरा बताया कि कितने परीक्षार्थी आज बैठे हैं, कौन से सब्जेक्ट की परीक्षा है, कितने नकल प्रकरण बने, ये पूरी व्यवस्थाएं आपको सुनिश्चित मिलेंगी। प्रत्येक कक्ष में कितने बच्चे अलॉट किए गए, जो जैसा कक्ष रहेगा उसके हिसाब से। कोरोना काल की क्या गाइडलाइन रहेगी? कोरोना का अपने ध्यान रखा है, हर केंद्र पे मास्क रहेगा, सैनिटाइजर रहेगा। दो दिन बाद एडमिट कार्ड के अलावा और कोई आइडेंटिटी चाहिए क्या स्टूडेंट को अंदर? यदि हमें आवश्यक लगे। और इसमें नकल रोकने के लिए पुलिस की बड़ी भूमिका रहती है, पुलिस ने क्या इंतजाम किए हैं? देखिए, पुलिस ने नकल रोकने के लिए काफ़ी अलग अलग स्तर पे उन्होंने इंतजाम किए हैं सभी पुलिस के, उसमें जितने भी सेंटर्स हैं वहाँ पे हम लोग जो है एक्स्ट्रा बल लगा रहे हैं, और बल के साथ साथ जो उसकी गंभीरता है, संवेदनशीलता है, उसके आधार पर वहाँ पे वरिष्ठ अधिकारियों कर्मचारियों की ड्यूटी हम लोगों ने लगाई है। और कुल सभी करीब 60 सेंटरों पे हम लोगों ने 300 के आसपास जो है वो पुलिस फोर्स लगाया है। इसके साथ साथ हमारी करीब 25 मोबाइल सतत जो जब एग्ज़ाम्स चलेंगे उस समय सभी जगह चलेंगी, और ये मोबाइल्स जो हैं इनमें भी हम लोगों ने करीब हर मोबाइल में 3 के मान से करीब 75 पुलिस वालों को लगाया है। इसके साथ साथ हम लोगों ने जो है औचक निरीक्षण के लिए भी अलग से दल बनाए हैं पुलिस में, कि जो सूचना मिलने पर कहीं पे भी इमीडिएटली अलग से जाके पहुंच सके। और साथ में सभी को आप लोगों के माध्यम से भी बताना चाहेंगे कि कहीं पे भी कंट्रोल रूम का जो नंबर है 100 है, उसके माध्यम से भी अगर कहीं भी किसी भी व्यक्ति को सूचना मिलती है कि यहाँ पे इस तरह की अवैध गतिविधि हो रही है या कोई जानकारी मिलती है तो वो भी उसमें सूचना दे सकते हैं। इसके साथ साथ हम लोगों ने ड्रोन्स भी हायर किए हैं, और ड्रोन के माध्यम से भी हम लोग जो ऐसी जगह हैं जहाँ संवेदनशील हैं, यहाँ पे कई बार भीड़भाड़ लगती है और चीटिंग होने की संभावना बनी रहती है, वहाँ पे ड्रोन के माध्यम से भी हम लोग उस एरियाज को दिखवाएंगे, डोमिनेट करेंगे, और जो भी व्यक्ति ऐसी गतिविधि में संलिप्त पाया जाता है उस पर कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ साथ पूर्व का भी हम लोगों ने रिकॉर्ड छाटा है, पूर्व के समय जो नकल में जिन लोगों की संलिप्तता थी या जिनकी ऐसी शोहरत है कि जो इस मामले में रहते हैं उनका रिकॉर्ड छांट के उन पर भी हम लोग प्रतिबंधात्मक कार्रवाई कर रहे हैं, और भी ऐसे लोग जो उसको प्रभावित कर सकते हैं उनको भी जब भी एग्जामिनेशन होंगे उस दिन उनको प्रिवेंटिव उनका डिटेंशन करने का भी हम लोगों का एक प्लान है। तो ये सारी हम लोगों ने व्यवस्था बनाई है और इसको हम लोग एग्जामिनेशन के दिन में एग्जीक्यूट करेंगे। पढ़ते हैं कभी कभी भटक भी जाते हैं,
उन बच्चों के लिए क्या संदेश है कि पुलिस की गिरफ्त से दूर रहें, अपने पढ़ाई करके एग्जाम दें, उनके लिए आपकी तरफ से क्या संदेश होगा? देखिए बिल्कुल, अभी जिस उम्र के बच्चे हैं जिनकी हम लोग यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं, उनके लिए निश्चित तौर पे अभी जो समय है वो पढ़ाई का है और उनका पूरा फोकस जो है, पूरी फोकस और उनका पूरा एनर्जी पढ़ाई में रहनी चाहिए। जितना अच्छा पढ़ेंगे उतना अच्छा उनका आगे आने वाला भविष्य होगा। तो मैं सभी से यही मध्य प्रदेश पुलिस के माध्यम से, प्रिंट पुलिस के माध्यम से ये अनुरोध करूँगा बच्चों से और उनके परिपालक से कि वो इस और ध्यान दें कि जो बच्चे हैं वो स्वयं किसी ऐसी अवैध गतिविधि में ना संलिप्त हों, ना किसी के बहकावे में आए, स्वयं पढ़ाई करें, मेहनत करें, एग्जामिनेशन में अपीयर हों और जो विधिवत उनके। पिंड से श्याम सुंदर उपाध्याय की रिपोर्ट।